राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के CMD RK शर्मा अपने 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्थान सरकार की सरगुजा जिले में स्थित परसा ईस्ट कांता बासन कोयला खदान के लिए चाही गई जमीन के लिए नवा रायपुर महानदी भवन में उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि मैं यहां राजस्थान में चल रहे कोयला संकट के समाधान और चर्चा के लिए आया हूं। उन्होंने कहा कि जो पेड़ की बार बार कटाई हो रही है, आपके यहां पेड़ काटे जा रहे हैं, मुझे ये बताइए कि क्या कोई भी जगह ऐसी है जहां आप पेड़ काटे बिना कोयला निकाल सकते हो? कहीं भी कोयला निकल सकता है क्या? लिए कैसे जो कोयले की उपलब्धता में जो कमी आ रही है, कोयले की आपूर्ति में जो कमी हो रही है, मेरी खदान को चालू करने में जो परेशानी आ रही है, उनको दूर करते हुए प्रशासनिक स्तर पर कैसे उसको जल्दी से जल्दी शुरू करवा सकता है। खदानें अभी हमारी जो ऑपरेटिव है वो एक ही खदान है, PAKB। उसके सेकंड फेज में जो है अभी जो माइनिंग जो है रुकी पड़ी है थोड़ा सा, उसी के लिए मैं बात करने आया। अधिकारियों का सहयोग है, वो कर रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं निकले। कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं कोई सहयोग नहीं है, सहयोग सभी जगह है, सरकार के स्तर पे भी है सबको। पेड़ कटेंगे, बिना पेड़ कटे आपका कोयला नहीं निकल सकता। पेड़ कटेंगे भी, लेकिन उन पेड़ काटने की जगह हम कितने पेड़ लगा रहे हैं, उनको डेवलप कर पा रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये विषय होना चाहिए चिंता का। ये आप सबका भी, वहां रहने वाली जनता का भी, हमारा भी और आम जनता का, कि हम रिफॉरेस्टेशन कैसे करें और उसमें हम जो वैधानिक नियम है उनका पूरा पालन करें और उससे ज्यादा पेड़ लगा। हम अभी परेशानी में है, मेरे करीब 2 प्लांट्स में कोयला 1 दिन से भी कम बचा है। इसी परेशानी की वजह से मैं आया हूं, किस तरह हम इसके सुधार